पापा हम इरफान भाई को लेके आ गए हैं। सही, हमने उसकी बेस के ऊपर हमला किया है, सारे उसके बंदे मार दिए हैं। क्या बात है, क्या बात है, अभी वो किधर है? पापा वो सामने खड़ा है, टोपी पहन के बदमाशी दिखा रहा है। मारू इसको, अभी वो भाग भी नहीं सकता। हाँ बेटा मारो मारो। बदमाशी दिखा रहा था ना? हाँ अभी भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, मेरे बंदे आ जाएंगे। तेरे बंदों की भी हकड़ी निकालती हूँ। रुक जा खा, मुझे खा। ओ बेटा बस कर दे, मेरे ख्याल से बेहोश हो गया अब वो। हाँ जी लग तो रहा है, चले मैं इसको उठा के यहाँ से दफा कराता हूँ। है हाँ, उठा के फेंक दे बिल्डिंग से नीचे इसको। चले सही है, मैं फेंक के आता हूँ इसको, इतना वजनिया। हाँ घसीटता घसीटता ले जा। जी जी घसीट के फेंकूंगा। चले मामू मैं इसको नीचे फेंकता हूँ, इसकी औकात ही नहीं है। इसको मैं छत से नीचे फेंकूंगा और मारूंगा, देखना। बस बेटा अभी नहीं मारना इसको, ठीक है? अच्छे जमील बेटा क्या कर रहे हो यार, इसने मुझे दो मुक्के मारे थे, बस अब आराम से नीचे गिरा दे। ओ, मैं भी गिरने लगा था मामू, इसको नीचे फेंकता हूँ, एक मिनट। ध्यान से बेटा, ध्यान से जमील। जमील ओ यार यार, कितना गंदा ख्वाब था, कसम से सारी नींद खराब हो गई है यार। ऐसे लॉक रहे थे, मैंने छत से छलांग लगा दी है, सारी रात मुझे इरफान भाई के ख्वाब आते रहे। अभी जल्दी से नीचे जाता हूँ यार, नाश्ता भी करना है, तबीयत खराब हो गई है यार, इतनी मुश्किल से, दिल डर रहा था, ऐसा लग रहा था मैं मार गया हूँ, कसम से यार। मामा हैं? बोल मेरे बेटे, बोल जल्दी बोल। जी क्या हो गया आप क्यों आज को? बेटा वो कल रात को मैंने जो है ना टूथपेस्ट में ठंडा पानी मिला के और ऊपर चाय मिला के पी थी, और डॉक्टर कह रहे थे उससे आवाज अच्छी होती है, और देखो आवाज में क्या सुरीला आया है। यार मामा मैंने आपको कहा था कि जे ना पिए, यार आपको कहा था यूट्यूब पे ना देखा करे चीजें, आप देख रही थी कि आवाज को कैसे सुरीला करें, आवाज को कैसे आती पश्लम की तरह करें। वो बंदा कह रहा था टूथपेस्ट डालें, बीच में दूध डालें, नमक डालें, मोर्चे, आपने सच में पी ली और अभी आपकी जो सुरीली आवाज निकल रही है ना, क्या बताऊं बेटा, थोड़ा तो आवाज में सुरीला आया है ना, इतनी गंदी आवाज होगी। सॉरी मामा। छोटे बच्चे, ओ शारिक चाचू भी आए हुए। शारिक चाचू आप रोज हमारे घर क्यों आते हैं? शारिक चाचू बेटा ये बात कभी अपने मामू से भी पूछ लिया करो, ठीक है ना, शारिक चाचू से पूछना आता है बस। ये देखो मामू खड़े हुए सामने, कॉफी पी रहा है, इससे पूछो। मामू आप तो नाश्ता करने आते हैं ना हमारे घर? हाँ ना बेटा नाश्ता करने आता हूँ, देखो मेरी बीवी नहीं बना के देती, और देखो तुम्हारे अब्बू को मसला हो रहा है मेरे आने से, फिर मैं नहीं आया करूंगा आइंदा, ये होगा बस। फिर पापा देखे ना मामू कितने अच्छे हैं, फजान मामू देख लें, दिल इनका बिल्कुल साफ है, बेशक खुद ये काले हों लेकिन दिल बड़ा साफ है इनका। हाँ देखा अब मेरा बेटा क्या कह रहा है, मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूँ अंदर से सफेद। पापा ये देखे ना आप पे कपड़े सूट कर रहे हैं ना, इतने प्यारे आपने कपड़े लगाए ब्लू कलर के। हाँ बेटा सूट तो कर रहे हैं। हाँ यार फजान वैसे बात तो है यार, नाश्ता कर लिया कर, कोई मसला नहीं। देखा कैसे मक्खन लगा रहा हूँ। और चाचू आप क्यों आ जाते हर जाना? बेटा धक्के मार के निकाल दे अपने चाचू को, लाते मार, ठीक है? नहीं नहीं कोई मसले नहीं चाचू, मैं आराम से आपको निकाल के आता हूँ। चुप करके हाथ हिलाता रही, जैफा कुछ बोली ना, ठीक है बेगैरत आदमी। यार देख तू शारिक, देखो तुम मेरे भाई हो, छोटे भाइयों की तरह हो, बल्कि तुम मेरे भाई हो, ठीक है? हाँ तो कत्ल कर दे, जान से मार दे मुझे। ओ भाई आराम से आ जाओ, ठीक है ना, ये पागल आदमी है जमील, छोटा बच्चा है। जी जी मैं छोटा बच्चा हूँ। अच्छा जाइनी चाचू, चाचू जाइनी चाचू से हो रही, अच्छा से हो रही। आप इधर देजगी में क्या ढूंढ रहे थे? मैं आपको इधर आए खाने देता हूँ, ये खाएं, ये जहाँ पे लाल कलर के क्या पड़े हैं आपके लिए बिस्किट, ये खाएं। बिस्किट है, मिर्चे है, लाल मिर्चे, दड़ा मिर्चे है। जी जी आप भाई भाई खा जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मिर्चे तो हमारे घर और भी आ जाएंगी। देख रहे मेरे मामा भी कह रही है खा जाए। देजगी में क्या पड़ा है? भिंडी है, भिंडी नहीं है, कल का बचा मसाले ने वो खा लें। जी खा लें खा लें। कल रात जमील ने पिज्जा बचाया था वो खा लें। हाँ मैंने बचाया था, मैं बता रहा हूँ, एक कीड़ी ने भी खा रही थी थोड़ी सी, एक चींटी आ रही थी वो भी थोड़ा खा रही थी, कीड़े भी खा रहे थे, देखे उनका भी हाक बनते, आ जाए आ जाए। नहीं खा रही चाचू, नाराज हो गए। पापा पापा अभी हम लोगों ने किधर जाना है? हाँ वो मैं कह रहा था यार फैजान और शारिक तुम लोग जाओ ना, गाड़ी बनवा के लाओ, सही है, वो इरफान भाई के घर जाना है, ठीक है? हाँ ठीक है हम लोग गाड़ी तैयार करा के लाते हैं। कौन सी गाड़ी? मेरी गाड़ी यार, लैंड क्रूजर धुलवा के लानी है बसों से, और क्या मसला है भाई। चलो ठीक है धुलवा चलवा के लाते हैं, मैं जरा उसके ऊपर कपड़े शपड़े मारता हूँ, धोता। चलो मैं भी आऊँ आपके साथ। हाँ बेटा आ जा, कौन सी टेंशन वाली बात है, आ जा मेरा बेटा। सही है मैं बस गाड़ी तैयार, कपड़े पहन के आते हूँ दूसरे, सही है, इसमें प्यारा लग रहा है यार तू। अच्छा चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ वीरू, सही है। अपनी अम्मी को कहना ना जरा मेरे लिए भी कोई रुमाल वगैरह इस्त्री कर दे, मुंह पे लपेटूंगा। जी ठीक है मैं कह देता हूँ। मामा
हाँ क्या हो गया बोल दे। वो चाचू कह रहे हैं कि कोई रुमाल पड़ा होगा। तेरे चाचे को कोई काम नहीं है, हर वक्त कहता रहता है रुमाल पड़ा होगा। हमारे घर में नहीं है कोई रुमाल, बोल दो उसको जाके चलो। वो उन्होंने मुंह पे लपेटने, उनको बोलो मुंह पे जाके कोई तोड़ा बाहर से लपेट ले। अच्छा यार, हाँ चाचू। हाँ जी। मामू कह रही है कोई रुमाल नहीं पड़ा हुआ। ओ यार मेरा मोजा पड़ा हुआ है ना, वही मुंह पे लपेट लेंगे, कोई मसला नहीं है। सही है यार, सही है। हाँ हाँ मेरे कंचे भी पड़े हुए हैं, मुंह पे पाल लेना आप। सोने का इरादा नहीं है मेरा। अच्छा चलो ओए ड्रामे नहीं लगाओ, शर्म खा ले थोड़ी। चलो जल्दी करो जाओ भी सही अब। हाँ हाँ जा रहे हैं यार। मैं जहाँ पे वेट करता हूँ मामू के आने का, तब तक मैं सोचता हूँ कि यार आज हम इरफान भाई से लड़ाई करेंगे, किधर मेरा ख्वाब साची न हो जाए, मुझे डर लग रहा है। वो चाचू आ गए। चाचू ईदी तो दें। ईदी किस चीज की, थप्पड़ लगा दूंगा दो तुझे। और ये अब्बू के सामने क्यों इतना तू बदमाश हो रहा होता है? मैंने कुछ नहीं किया चाचू, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने आपसे बस पैसे मांगे, थोड़ी सी पॉकेट मनी होती है ना थोड़ी सी। मैं बोल रहा हूँ उठ यहाँ से। नहीं चाचू देख ले, सच्ची बात है, चले पैसे नहीं देने ना। एक काम कर, मामू को बुला रहा है, जल्दी कर निकले। जी आ रहे हैं मामू। बस यार मामू पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। मामू आ जाए। आ रहा हूँ बेटा, बस ये चाय खत्म हो जाए ना, एक कप और मंगा के पी के आता हूँ। पैसे जो मांग ले मेरे से, पहले पैसे तो ले ले मेरे से, फिर जाएगा ना ये काम चोर। जमील बेटे के सामने क्यों बोल रहे हैं यार, पैसे ही मांग रहा था ना, कौन सा तेरी जान मांग रहा हूँ। अच्छा अच्छा ये ले ले जा, तू भी क्या याद रखेगा यार, कैसा बहनोई मिला है तुझे। हाँ कैसा बहनोई मिला, अपने पैसे देता है और फिर गाड़ी की मॉडिफिकेशन का बोलता है, ये नहीं कहता कि पैसे खर्च कर ले जा, तेरा भी कोई का हक बनता है, कोई दो चार शर्टे ले ले अपने लिए, पेंटे ले ले। क्या क्या याद रखेगा तू, 10 रुपए की सुपारी खाई सही है, 10 रुपए की सुपारी खाई, भूखा आदमी 10 रुपए दे के भूखड़ आदमी शोखा हो रहा है। नहीं नहीं सुपारी नहीं खाएंगे हम, टॉफी खाएंगे, अच्छी चीजें खाएंगे। हाँ बेटा 10 रुपए का महल बना लेते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अच्छी चीजें खाएंगे तो फिर अच्छा लगता है। मामू मैं आपको बता रहा हूँ, 10 रुपए में जो ना हो कि आप नशे ही करने लग जाएं। हाँ बेटा 10 रुपए में मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, टेररिस्ट बन जाऊंगा 10 रुपए में मैं। अच्छा अच्छा मजाक कर रहे थे यार। मैं भी मजाक कर रहा हूँ मेरे बेटे, सीरियस क्यों हो रहा है। ओए होए क्या जबरदस्त गाड़ी लग रही है ना पापा की है। चलो यार अब इसको धुलवा के लाते हैं। तुम्हारा चाचू तो देखो ना निकाब पहन के बैठा हुआ है। चाचू ये क्या कर रहा है? ये मैंने इसलिए पहना है इरफान भाई का कोई बंदा पकड़ ना ले। चले चाचू जल्दी पहुंचाएं, गाड़ी मॉडिफाई करवानी है, सफाई भी करवानी है, इसको काले कलर में करवाने। ये तो नहीं कहा तुम्हारे अब्बू ने? हाँ मॉडिफिकेशन जिसके लिए पापा ने मुझे रात को बता रहे थे। अच्छा। हाँ ताकि ना ये गाड़ी फुल बनमाशो की तरह लगे, गैंगस्टर की तरह। हाँ जी बात है। इसके लिए कह रहे थे। चलो यार गाड़ी तैयार हो जाएगी फिर जाते हैं इरफान भाई के घर। जी जी फिर जाएंगे इरफान भाई के घर, पता तो चले कौन है ये इरफान भाई और क्या नया बदमाश आया है। जी हमसे बड़ा बदमाश है, मुझे ड्राइविंग सिखा रहा है ना, अब ले जा। हाँ जी चलो भाई, देख रहा ऐसे स्मूथ स्मूथ गाड़ी चला के अंदर ले आता है, ये देख गैरेज के अंदर कितने आराम से मैं ले आया हूँ, तुझे चढ़ी नहीं रही थी, ऊपर शोर मचा रहा था, कह रहा था ये है वो है, बंदे किधर है यार, ये देखो गैरेज तो काफी बड़ा है यार, मैं तो सोच रहा था छोटा सा गैरेज होगा, बाहर से कितना छोटा सा है जमील बेटे, और देख अंदर से कितना बड़ा गैरेज है यार। जी बड़ा खूबसूरत तो नहीं है, बकवास है। हाँ थोड़ा पुराना सा है यार, लेकिन ये देखो कार्स कितनी बड़ी बड़ी खड़ी हैं। स्पोर्ट कार है, स्मार्ट कार। हाँ वही स्मार्ट कार बेटा, देख कितनी बड़ी स्पोर्ट्स कार खड़ी है। जी जी वो सामने खड़े हैं अंकल। अच्छा ये खड़े हैं अंकल जी। अंकल अंकल हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल जी, और सुनाएं क्या हाल है यार, यहीं पे तो रखा हुआ था। जी जी मैं ठीक, आप सुनाएं क्या ढूंढ रहे हैं यार? वो इधर बोनेट पड़ा हुआ था, आप कौन है? खैर वो मेरे बहनोई ने भेजा मुझे, हुज़ैफ़ा नाम है उसका। अच्छा हाँ तो हमने ना अपनी कार की मॉडिफिकेशन करानी थी, उसकी बात हुई अभी आपके साथ ना फोन पे। मेरे साथ तो नहीं हुई, साहब के साथ हुई होगी। हाँ तो आपके साहब किधर है? वो अंदर ऑफिस में होंगे। ऑफिस ऑफिस भी है आपका? जी जी ऑफिस। गैरेज तो इतना थका हुआ है आपका, पता नहीं ऑफिस किधर होगा। ऑफिस किधर है? जी होगा जी, वो पीछे की तरफ है, मुझे पता है, मेरा दोस्त है। इधर आ। किधर है? आ जा ले आ। वो सामने लाल गेट नहीं है उसमें? अच्छा वो देखो जी, काफी बड़ा है यार, इधर नीचे भी सीढ़ियां जा रही थी, पता नहीं ये किस चीज का रास्ता है, मेरे ख्याल से कोई सीक्रेट रास्ते बनाए हुए इन्होंने, मैं आज जाके पूरी तलाशी लेता हूँ, ये ना कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो, पकड़वाऊंगा इनको पुलिस से मैं। सलाम वालेकुम सर जी, आप बॉस हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ही बॉस नहीं हूँ यार, मैं असल में काम करता हूँ यहाँ पे, बॉस नहीं आया अभी, सही है। अच्छा वो कार की मॉडिफिकेशन करानी थी तो कौन करके देगा यार? मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। वो सामने खड़ी हुई हमारी शहजादी चीती, वो देखे वो सामने। वो सामने आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, तेज चल रहे, थोड़ा तेज चल रहे,
आप चलते कैसे, क्या हो गया, टांगों में दर्द है क्या? नहीं यार, वो रात में जरा मुशक्कत हो गई थी, वजन उठा रहे थे। मजदूरियां करते हैं ना यार, यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, ये हमारी कार है, देखें इसको आपने ना शीशे लगाने, बुलेट प्रूफ सारा, इसको आपने बुलेट प्रूफ करना, बीच में चढ़ के नहीं बैठना मेरे भाई, बाहर निकलो। टेस्ट करूंगा तो पता चलेगा ना यार। नहीं टेस्ट नहीं करना, बाकी बिल्कुल ठीक है, ए क्लास है, फी क्लास है, बी क्लास है, चले सही ठीक है यार। जो क्या कर रहा है यार तू, लेके भाग ही ना जाए कहीं, शोधा आदमी, मुझे लग रहा पहली बार देखी है इसने। ये उतर रहा है, उतर मेरी मर्सिडीज से। पता नहीं ये गाड़ी कहाँ लेको जा रहा है, मारे उतारे इसको नीचे। पागल आदमी है, रुको मैं इसको सीधा करता हूँ, कहीं गाड़ी के नीचे ही ना दे दे मुझे, खबती आदमी। निकल आ नीचे, उतर उतर। नहीं भाई ये देखो मैं यहाँ पर रिपेयर करने के लिए लाया हूँ, क्या हो गया? अच्छा अच्छा, मुझे लगा लेके भाग रहे हो। जा रिपेयर करनी नहीं, आप पता नहीं क्या साईं बकलोल है। हाँ यार आप साईं बकलोल है, आपको तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? आपको पता नहीं है जो गाड़ी बस सामने क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर से नंबर प्लेटें उतारनी है ताकि ये गाड़ी किसी भी बंदे की नजर में ना आए। देख ले आपसे ज्यादा सयाना तो मेरा भांजा है। जी जी ये काम करने है। ये छोटा बच्चा अच्छा, आपको अच्छा। बता रहा है कि गाड़ी का रंग जो है वो ब्लैक करना है, ठीक है, विंडोज जो है वो भी ब्लैक करनी है। मेरे भाई अगर बच्चा इतना सयाना है तो इसी से काम करवा ले। नहीं देखे काम नहीं करना आता ना, बता तो रहा है आपको, आप कह रहे हैं इसमें नुक्स है, गाड़ी को रिपेयर करना, रिपेयर करना ही नहीं है जब। तो आप सिखा दे मुझे, मैं आपके पास काम कर लूंगा, मुझे 5,000 दिन के देना। काम पे रख ले। ओ बेटा 500 रुपया दूंगा ध्यानी और रेंच भी मारूंगा हाथों पे, काम गलत किया ना तुम्हारे, मैं हाथ तोड़ूंगा। अच्छा भाई तीनों भाई आए हुए माशाल्लाह। जी जी जी, रेंच उठाऊंगा ना और आपके सर पे मारूंगा, टिंडा फिसा दूंगा। मामू आप तो मोबाइल में लग गए हैं। हाँ बेटा वो मैं दानियाल से बातें कर रहा हूँ, वो मुझे मैसेज कर रहा है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑडियो भेजता है मुझे। अच्छा अपने बेटे के साथ बातें कर रहे हैं। हाँ बेटा तूने भी करनी है? छोड़ दफा कर, छोटा सा चूही है वैसे। क्या कह रहे हो बेटा? नहीं कुछ भी नहीं कह रहा मामू। चाचू आप अभी तक चाय पी रहे, मैंने तो कब की खत्म कर दी है, मुझे दे दे। बेटा मैंने मुंह पे रुमाल रखा हुआ है ना, तो मैं अंदर से पुन के चाय पी रहा हूँ, पत्ती है अभी। अच्छा चले पी ले, सही है। जे भाई क्या कर रहे हैं जहाँ पे? ओए होए भाई तो गाड़ियां लेके जा रहे हैं भाई, आराम से निकालें। सही है ठीक है आराम से निकालूंगा। सही है जी जी आराम से जाने दें, आने दें, मैं बताता हूँ, आने दें, मेरे पीछे पीछे आने दें, आराम आराम से आने दें, आने दें, बिल्कुल 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 इधर ले आए जे पिलर की तरफ से। ओ भाई किधर जा रहे हैं यार? बेटा इतनी आराम से जा सकती थी तो आप क्यों बोंगियाँ मार रहे हैं? यार अंकल दिमाग कर आप कर रहे तू भी हैं, छोड़ो यार मारेगा वैसे अंकल, कह रहे था रेंच से तुझे मारूंगा, मैं बताता हूँ इसको, इसको सारे काम खराब करता हूँ। जा रहे इधर एक बंदा गाड़ी ठीक कर रहा था, गाड़ी चली गई है भाई, बंदे गाड़ियाँ लेकर चले गए यार, ये सही तमाशा है। एक मिनट इसके सामान में चेड़ता हूँ यार, ये थोड़ी चीज़ें उठा लूँ। जे यार मेरे पास होती ना जे गाड़ी, थोड़ी सी गाड़ी है छोटी सी यार। चलो यार कोई मसला नहीं है यार, वो सामने जाता हूँ ना, वो सरेंडर पड़ा है बेटे, तुझे ठीक करता हूँ मैं, रुक जा। ना ही यार अंकल मजाक आ रहे थे, मजाक आ रहे थे, कोई मसले वाली बात नहीं है, जा रहा हूँ जा रहा हूँ यार। जो तो यार डंडे लेके आ गए, सिर्फ गाड़ी ही देख रहा हूँ ना, कौन सी दूसरी चीज छेड़ रहा हूँ। हाँ इधर आ जाए अंकल, मेरी बात सुन ले। गाड़ी छेड़े मैं बता रहा हूँ इसको, मैं लैसे भी सही हूँ। क्या कह रहे हो भाई, लासा ही सही क्या कह रहे हो हैं? मेरा मतलब मारूंगा भी इसको मैं डंडे वंडे, लावारिस समझा हुआ क्या? देखो बच्चा अगर बदतमीजी कर रहा है हमें बताओ, हम इसको समझा लेंगे, ठीक है? कोई चीज आपकी तोड़ी तो नहीं है ना इसने अभी तक? जी एक चीज तोड़ी है ना, शीशे ही तोड़े है, कौन सी दूसरी चीज तोड़ी है? लगाया तो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, बच्चा हमारा इतना प्यारा सा, क्यों छोड़ूंगी नहीं यार भाई, इसको समझाया लो ना बेटे। अच्छा ठीक है यार, समझाया लो इसको, शीशे के पैसे दे देंगे आपको। जमील बेटे इधर बैठ जाओ आके। जी बांट रहा हूँ यार, मस्तीखोर भी नहीं करने देते यार, मस्तीखोर थोड़ी कम किया करो ना बेटा, ये अभी आपके अब्बू को कॉल करेगा फिर। अच्छा चले ठीक है भाई, बस बस ठीक है, अभी आप काम करें अपना। मेरे भी फिर छेड़नी नहीं दोबारा, किसी चीज को हाथ नहीं लगाई, छेड़ने में हाथ पनसा तेरे, ठीक है? हाथ पन्नो मैं थोड़ी टिंड पनसा। चलो यार जाता हूँ, ये बंदे ज्यादा है ना, एक तीन 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 बंदे। जाओ आ जाते ना यार, जाओ काम करो, जल्दी से मॉडिफाई करो गाड़ी, हमें भी और काम है। ऑयल लेने आए ना, ऑयल लेने आए ना, मेरा प्राय नहीं करूँ, काम नहीं करूँ, बता दो। ऑयल लेने आयो ना, मेरा सर क्यों खा रहे हो? जाओ जाके जल्दी से मॉडिफाई करो, हमें भी और काम होते हैं, असी भी इतने वेले नहीं होते थोड़े ना गल्ला करन का। तुसी अपने नुमेलेंच पबजियां खेड़ो बस, चवल आदमी।
यार जे देखे ना पीर मैं जाता हूँ इसकी गाड़ियों में। इधर आजा जमील बैठे वापस आजा। अच्छा इधर बैठ शाबाश, इधर बैठ, मेरे मोबाइल पे गेम खेल ले। चले फिर इंतजार करते हैं, इधर ही मोबाइल दे मैं गेम खेलूंगा, मुझे दे। हाँ रुकिए मैं एक बार बस बात कर लूँ फिर तुझे दे। चले दे जल्दी करें। चलो जमील बेटा मैं पता करके आता हूँ कितना टाइम रह गया गाड़ी मॉडिफाई करने में उसका। जी जी पता कर रहे हैं। वो देखो सामने देखो यार, क्या ब्लैक ब्यूटी यार, क्या बात है यार, क्या बात है कमाल भाई जान, दिल कर रहा है आपका हाथ चूम लूं मैं, क्या बात है यार, क्या बात है। ओए होए होए जी जी, बस ये हमारा कमाल है मेरा, फिर कमाल ही कमाल है वाकई से। पर यार आपने सारी अच्छी चीजें तो निकालनी है इसकी। नहीं नहीं अच्छी चीज कोई नहीं निकाली, बस मॉडिफिकेशन की। मैं चेक करता हूँ एक सेकंड। बस 5 लाख का खर्चा आया है। 5 लाख? जी जी बुलेट प्रूफ की है ना, लोहा लगाया इतना ज्यादा। हाँ ठीक है ये आप बिल बना के ना जरा मेरे बहनोई को सेंड कर दें, क्योंकि मैं तो पैसे लाया नहीं हूँ ना, वो मुझे देता है पैसे। अच्छा अच्छा ठीक है जी जी, चले मैं जी कर। हाँ तो वो आपको पेमेंट कर देगा। नहीं नहीं पेमेंट लेके आओगे मेरा भाई, कोई मैं बिनोई विनोई को नहीं जानता। ओ हेलो भाई, वो कह रहा था आपका दोस्त था वो। ओह हो हो, क्या चल रही है यार। चलती तो खैर ये पहले भी बहुत कमाल की थी, अब इसमें तो इसका कोई कमाल नहीं है ये मैकेनिक भाई का। बस ये है कि मॉडिफाइज ने बहुत अच्छी कर दी है, देखो विंडोज टिंट कर दी है, और देखो जी गाड़ी कमाल कर दी है, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक शहजादी, बहुत खूबसूरत लग रही है यार। जी जी शारिक भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, 5 लाख खर्चा तो वो है ना, और 2.5 लाख से ऊपर का खर्चा नहीं है, चाय पीने दे। 5 लाख तो बम प्रूफ के और 5 लाख तो बुलेट प्रूफ के अलग अलग है। झूठ बोल रहे हैं, अभी आपने 5 लाख बोला, अभी उसको 10 लाख का टीका लगा रहे हो। 5 चपेड़े मारूंगा ना गुत्थी पे, कल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। देखें यार ऐसे ही होगा, टोटल इतना बिल बन रहा है, 10 लाख देने हैं तो दे, नहीं तो मैं मॉडिफिकेशन उतार लेता हूँ, मैं करता हूँ। चलें फिर मैं उतारता हूँ ना ये बुलेट प्रूफ। अच्छा बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये नंबर मिला के देता हूँ, मेरे बहनोई से बात कर लो। अच्छा वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, अंडर वर्ल्ड का डोन है, अंडर वर्ल्ड का। चलो मुझे मिला दो, पूरी अंडर वर्ल्ड डलती है उससे। अच्छा चलो फोन पकड़ो। चलो मैं करता हूँ। हाँ बात करो उससे, बात करो शाबाश। हाँ कराओ, लगाओ। ये लो रुको रुको। हाँ ऑल पे लगाता हूँ, इधर आओ, ऑल पे लगाऊँ, इधर आओ। लगाओ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, क्या हुआ फैजान, गाड़ी मॉडिफाई हो गई है? यार गाड़ी तो मॉडिफाई हो गई है, इस बंदे ने 5 लाख का काम किया और 10 लाख मांग रहे। अच्छा बात कर ले तू खुद, कह रहा मैं नहीं जानता किसी हुजैफा शुजैफा को, नहीं होगा कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन, मैं नहीं जानता। भाई हुजैफा भाई बात कर रहे हैं? जी जी मैं जानता हूँ हुजैफा भाई को, और हुजैफा भाई कर देता हूँ ये, वैसे ये जो भाई है ना बदमाशी कर रहे थे, असल में मार रहे थे मुझे, सही है, बहुत बड़ा तशद्दुद कर रहे थे, और कह रहे थे मैं उल्टा लटका के मारूंगा, रात को बर्फ लगा के मारूंगा तुम्हें, मैं ये बता रहे थे, सर्दियां आपको पता है। बहुत झूठा है यार, ये नहीं करो यार फैजान, ये हरकतें करने के लिए नहीं भेजा था मैंने। बहुत झूठा आदमी है ये, मैं इसको अभी मार के आऊंगा, पक्की बात है। मेरे डोले देख रहा ना तू, इधर देख मेरे डोले देख, इधर मोड़। हाँ टीके लगाए ना? टीके बेटा मैं तुझे लगाऊंगा, ये क्या तू खिलौने लेके घूम रहा है? पिस्टोल है, सिर में लगेगी ना, सेट भी हो जाओगे। मेरे बच्चे ने ईद पे ली है, छरा मारती है टर करके। मैं टर करके मुक्के मार दूंगा तुझे, एक आंख में मारूंगा काना हो जाएगा भाग। बस ठीक है, वो तुझे चेक भेज देगा, ठीक है, टेंशन नहीं। ओए होए होए होए, माशाल्लाह क्या बात है यार। एक सेकंड इधर देखो, शारिक जमील आ जाओ यार, बैठो जल्दी करो। जी तैयार हुई है जी, बैठ गए मामू, चला देखना। चलो भाई मैं चला रहा हूँ। जी जी निकाले आराम आराम। ओ भाई आराम से आपको पैसे मिल जाएंगे, मेरी गाड़ी के आगे आके खुदकुशी ना करो। चले उसको बोल देना हुजैफा भाई को कि मुझे बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करे, नहीं तो मैं घर पहुँच जाऊंगा, उसका घर मुझे पता है। हाँ ठीक है, डराने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे अब तुम्हें नहीं मिलेंगे। चले वो मैं ले लूंगा उससे हुजैफा। ये तो खोल दो, गैरेज का दरवाजा तो खोल दो यार, खोल रहा हूँ। ओ भाई जाने भी दे हमें। हाँ जाने दे यार, जाओ जाओ निकालो इसको। चलो भाई 4 घंटे हमारे इसने जाया किए, पर काम क्या कमाल का किया। देखो यार गाड़ी तो बहुत प्यारी तैयार हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है यार। पैसे तो हम लाए ही नहीं थे, पैसे ही नहीं देने पड़ेंगे ना? नहीं बेटा पैसे तो देने पड़ेंगे, देख नहीं रहा था कितना लीचड़ आदमी है, पैसे लिए बगैर जान नहीं छोड़ेगा हमारी। अच्छा मैंने कहा आपने दिए ही नहीं है, फिर कभी ले गई नहीं? नहीं बेटा तुम्हारे अब्बू का जानने वाला है ना। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर उधारी पे काम कराया, लेकिन पैसे तो देने हैं ना। जी जी सही। ये बात तो नहीं है, तुम्हारा अब्बू और तुम्हारा चाचू खानदानी बने हैं, तुम्हारा मामू ना लुच्चा लफंगा है। वाह अब इस बात की कोई सेंस बनती है जमीन बेटे। मामू को बीच में क्यों ला रहे हैं, आप दोनों को काम है ना? आप दोनों का लुच्चों वाला काम है, तो मामू को बीच में ना लाओ, ठीक है ना? मामू एक शरीफ आदमी है। अभी चलते हैं, दोपहर का खाना भी खाना है, घूमने भी जाना है। घूमने नहीं जाना बेटा, इरफान भाई के घर जाना है। आपको तो पता है हमारी बुगाटी चोरी करके उसने अपने पास रखी हुई है, पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही, पुलिस कह रही है वो बहुत बड़ा आदमी है, ये है वो है।
ठीक है, तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते जी जी। तो फिर हम खुद जाएंगे अभी इरफान भाई से बात करेंगे, हम उसको बोलेंगे यार हमारी गाड़ी इज्जत से वापस कर दो, नहीं तो हमारे पास और भी बहुत रास्ते हैं। हाँ जी बात करेंगे, हमारे पास देखे ना कितने रास्ते हैं, मेरे घर को कितने रास्ते जाते हैं, दो तो। हाँ बेटा कितना सयाना है मेरे बच्चे तू, और दो तो रास्ते हमारे बशरूम को जाते हैं। सही बात है, खराब कर था बड़ा फरान भाई ये। चलो यार अभी जल्दी से जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, पता नहीं ये दरवाजे पे कौन आया, शायद फैजान लोग आ गए हैं। मैंने उनको कहा यार जल्दी आओ, गाड़ी मॉडिफाई करवा लिया, उन्होंने बताया। मैंने कहा आ जाओ यार फिर चलते हैं इरफान भाई के पास, जिस बंदे ने मेरी गाड़ी चोरी की है। ओ भाई फैजान साहब आ गए, शुक्र है यार तुम। चलो अपनी गाड़ी तो देख जरा क्या तैयार करवा के लाया हूँ यार मैं। अच्छा। मैं भी आया हूँ, फैजान ही नजर आता है तुझे। अच्छा माजरा तैयार शारिक, आप भी आए हुए हो। ओए होए होए क्या जबरदस्त गाड़ी बनवाई है यार तुम लोगों ने, ये नंबर प्लेट क्यों नहीं उतारी हो पागलो? ये मैं अभी उतार देता हूँ, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात। हाँ, दो पेज तो खोलने हैं। उतारो उतारो यार, बहुत जबरदस्त लग रही है गाड़ी तो। ओए होए फुल माफिया लुक आ रही है यार, क्या बनवाई है? पापा जी मैंने बनवाई है। पैसे तूने दिए? नहीं पापा, वैसे मैंने साथ बैठ के बनवाई है। साथ बैठ के बनवाई है, बड़ा आसान किया है ना, पैसे दोगे ना जिस दिन बेटा अपने। उधर मैकेनिक तो कह रहा था इसे मैं 50,000 रुपए तनख्वाह दूंगा, मेरे साथ काम पे लगा दो इसे। कह रहे थे 50 रुपए दिन का दूंगा, झूठ बोल रहे हैं चाचू। अच्छा चुप करो, जल्दी आओ गाड़ी में चलते हैं फिर। हाँ चलो यार बैठ रहे हम सारे। चलो यार नंबर प्लेट तो मैंने उतार दी, आ जाओ। हाँ यार चलो, नंबर प्लेट वाली टेंशन भी दूर होगी, अब हम जाते हैं इरफान भाई के घर। वैसे हम बोलेंगे क्या इरफान भाई को? तू बैठ तो जाना, बोलेंगे क्या, पहले फिर रहा होता बाहर तू। यार क्या हो गया यार, बेइज्जती क्यों कर रहा है तू मेरी? यार बस वो थोड़ी, मैं बाजी को बताता हूँ। ओ साले साहब देखो यार फैजान, तुम बात मान लिया करो यार, टेंशन वाली बात ही नहीं है। सही है, टेंशन वाली तो बात है ना, मेरी बेइज्जती करता रहा था तू। यार माजरत ना यार, माजरत कर रहा हूँ आपसे। सही है, हाँ सर ठीक है, पकड़ ले इसके, ठीक है माजरत कर। यार देखो शारिक तुम मेरे भाई हो, लेकिन ये साला है, साले की ज्यादा इज्जत करनी पड़ी है मुझे। हाँ ये बात, सिर्फ बीवी की वजह से यार, ये बात ना, ये बात। सैंडी शोर जा रहा हूँ इरफान भाई से बात करने, हमारी गाड़ी वापस कर दे शराफत से, नहीं तो बाकी जो कार्रवाई मैं करूंगा वो पता नहीं है उसको भी। लेकिन यार क्या कार्रवाई करेंगे हम, ये तो मुझे पता ही नहीं है। उसे मारूंगा, उसके जो बंदे है ना हजारों लोगों के बीच में शेर बनता है, उसे मैं ठीक करूंगा। पहले एक काम करी, मेरे घर पे रोकी, उधर से हम मसला उठा लेंगे, ठीक है? असला मेरे पास है, टेंशन ना ले, मैं और फैजान जाके ले भी आए हैं, तुझे पता नहीं है ना। हाँ हमारे पास गन्ज है, नेड्स है, 100 चीजें। मेरे पास पानी वाली गन है, जो बात बनवा शाह बड़े, इसे भी टीटी दे दूंगा मैं। हाँ मेरे पास है टी पीपी अंजमोला। हाँ पीपी अंजमोला इसके पास है, वो मैं खाता हूँ और मुझे डकार आते हैं। अच्छा मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए मुझे पता नहीं चला। हाँ जी दिमाग खराब, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं करता ना फिर उसको पता नहीं चलता कि गने भी हैं इनके पास, तो गाड़ियाँ हैं, घर हैं, अमीर हैं ये लोग। हाँ ये बात है, सही बात कर रहे हो। अच्छा अभी चुप करो, अभी जल्दी से चलते हैं गांव यार, गांव जाके वहाँ पर उस बंदे से बात करते हैं। पता नहीं इतना अमीर आदमी है गांव में क्यों रहता है, मुझे नहीं समझ आती, मुझे लगता है कोई गैर कानूनी काम करता है वो भी। मुझे भी यही लगता है यार, जंगलात में छुप के रह रहा है। देखो यार गैर कानूनी काम ना करता होता तो हमारी गाड़ी चोरी करता वो। हाँ ये बात भी है, सही कह रहा है। और अपने नाम के साथ उसने भाई भी लगाया हुआ है। पापा आज मुझे ख्वाब में भी आया था गुफरान भाई, छोटा सा चूहा सा था, गंजा सा, कुट खा रहे थे। इरफान भाई बेटा? हाँ इरफान भाई, वही इरफान भाई। जरूरी तो नहीं है ना बेटा जो आपको ख्वाब आए वो सच्ची हो, सारा दिन तो आप झूठ बोलते रहते हो, ख्वाब भी आपके ऐसे ही होंगे। और उस ख्वाब में ना अंड में मैं गिर गया था छत से। बेटा ये तो सच लग रहा है कुछ ना कुछ। क्या हो गया यार, कैसी बातें कर रहा जी? कोई बात ना करा करें ऐसी गलत सलत। मेरा तो दिल कर रहा है मेरे हत्थे चढ़े वो उसको इतने थप्पड़ मारूं, मैं इतने थप्पड़ मारूं। ओ यार चुप कर जाओ एक मिनट यार, बंदा सख्त हुआ ना तो हमें थप्पड़ मारते का, चुप करके बैठ जाओ, पहुंचते हैं। मैंने अभी तक उसको देखा तक नहीं है, पता नहीं है ये कौन। मैंने भी नहीं देखा यार, मुझे भी बड़ा शौक हो रहा है देखूं तो सही भला कैसा है इरफान भाई। भाई एक मिनट, गलत साइड से आ रहे भाई, जाने दें। ओ भाई ये जाने क्यों नहीं दे रहे, लाइन में आना यार। यार ये सारे पता नहीं पागल लोग हैं कसम से, लड़कियां जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं यार, इधर रोकता तो सही ना, हेलो हेलो बोल देता। एक मिनट भाई भाई भाई, एक मिनट शुक्र है यार, मैं पुलिस को कॉल करूंगा। चलो निकालते हैं जल्दी से, पहुंचे गाइस सैंडी शोर्स।